अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानना कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें आप लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत शानदार हम लोग कलेक्शन बता रहे हैं। तैमूर गुड फॉर्म पर हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत ही नायाब शौक़ है और एक से एक बकरियाँ है। माशाल्लाह मेरा तो मन भरता नहीं है जब मैं इतनी खूबसूरत बकरियाँ देखता हूँ तो। और ये तो काफ़ी बड़ी अच्छी बात है जालना वालों के लिए कि जालना में इतना शानदार शौक़ है और ऐसा शौक़ शायद ही कहीं देखने के लिए मिलता है। तो जालना वालों की आप लोगों की खुशनसीबी है, आप लोगों के पास तैमूर गोट फार्म जैसा फार्म है जो कि आपकी सर्विस में है और माशाल्लाह कुछ जानवर भी सेल के रहेंगे जो कि इंशाल्लाह आगे हम लोग बताएंगे। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये वीडियो में क्या क्या देखने के लिए मिलता है और अगर कुछ सेल का है तो इंशाल्लाह हमारे साथ अफरोज़ भाई जो कि ओनर है इस जानवरों के, उनसे बात करेंगे। आइए अफरोज़ भाई। अफरोज़ भाई, ये वीडियो बन रहा है, इसमें कितने जानवर बताएंगे आप? दो बताएंगे जी। इसमें माशाल्लाह ये जो बकरी पकड़ा है ये आपकी घर की बकरी है? होम ब्रीड है। होम ब्रीड में। डिटेल कितना है इसके? 19 इंच लंबा है जी। 18 इंच अगला है। माशाल्लाह साफ कान। हाँ, मोटा। बेहतरीन, वाह। थिकनेस देखो उसकी, माशाल्लाह शानदार। दांतों में कितना है ये? छह दांत पे। छह दांत पे। और लेंथ कितनी बताएं? 19 इंच लंबा है जी जी। 18 इंच अगला है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। उम्मीद नहीं किए थे अफरोज़ भाई हमने, माशाल्लाह इतना सुपर्ब शॉप देखने के लिए मिलेगा हमें जालना में। और ये तो आप जैसे भाई जो आगे आए चल के बता रहे हैं, इससे सिर्फ एक चीज़ होगा अफरोज़ भाई, इंशाल्लाह जानना का शौक बहुत आगे बढ़ेगा। आज मैं आया हूँ, इंशाल्लाह हमारी वीडियोस देख के कई यूट्यूबर्स भी आएंगे इंशाल्लाह जानना में। बहुत प्यारी। ये कब से आपके पास? जैसा पैदा आपके घर पे ही हुई थी? अपने घर पे इसके लिए पैदा जी। अभी 8 दांत है? नहीं, 6 दांत। 6 दांत है भाई। एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि हैदराबादी का जितना हम शौक देख रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है शौक, तो एक नवा जब आता है भाई तो उसको कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहिए कि भाई ये एक्सपेंसिव दे रहे हो तो क्यों दे रहे हैं आप? इसकी ब्लड लाइन देखना पड़ती है जी। इसकी क्वालिटी, ब्रीड लाइन जी। अब ये इसके 19 इंच लंबा नहीं जी, ये इसकी बेटी है। ये उसकी बेटी है। 18 इंच पे है अभी, 4 दांत पे है। माशाल्लाह 18 इंच लंबा है, 18 इंच अगला है जी जी। पूरी वाइट गुलाबी में। तो ये बंदा जो भी ले रहा है, नवा है, वो क्या भरोसा करके लेगा भाई आपसे कि भाई ब्रीड लाइन चेक करके लेना? ब्रीड लाइन चेक करके लेना चाहिए, ये एक अहम बात होती है ना, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैं समझता हूँ, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तो ये तो एक नॉर्मल रेंज में समझता हूँ बकरियों में, ऐसा नहीं हमने बिकते हुए भी देखा है तो यही है। लेकिन नया लोग जो होता है ये डरता है कि भाई मैं जब लूँगा तो मेरे पास उसके बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, ये उसकी एक बड़ी दिक्कत की एक बात होती है उसके लिए। तो आपका ये कहना है कि ब्रीड लाइन के जानवर हमेशा रिजल्ट देते हैं? जैसे अभी यही बकरी बता रहे हैं आप मुझे, माशाल्लाह इसकी जो अम्मा है ये 19 कान पे है और ये जो बेटी है माशाल्लाह एकदम जेरोक्स है। हाँ, तो ये बच्चा आपके ही घर पैदा हुआ था? इसका बाप कौन था? इसका बाप है अपने पास में, अपन वीडियो में बताएंगे उसको। अच्छा, फ़ोन में है क्या आपकी वीडियो? फोन में है वीडियो, वो बताएंगे। माशाल्लाह बहुत एक्सट्रीम है भाई। भाई के मैचिंग कर दिए शर्ट पर गुलाबी में, गुलाबी बहुत खूबसूरत, वाह। हैदराबादी का शौकीन ये वीडियो देखेगा ना, देखते रह जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ख्वाहिशमंद रहेंगे जो कि आपके पास आके देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। वाइट गुलाबी मार्बल सीन में। क्या बेहतरीन लग रहे हैं भाई फार्म फ्रेम में। 18x कितने इसके कान? 18x8। 18x8 शानदार। पत्ता कितना मोटा है। इसके बच्चे मिलेंगे इनके? हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी प्रेग्नेंट है बकरियाँ? कितने कितने महीने की है? ये 2 महीने की है जी। और ये 2.5 से 3 महीने के आसपास। 2.5 से 3 महीने के आसपास। हाँ। बेहतरीन भाई माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। बस देखते रहने का मन कर रहा है अफरोज़ भाई, माशाल्लाह। मेरे व्यूवर से कहूँगा माशाल्लाह लिखिए इसके लिए। कुछ और बकरियाँ भी है आपके पास? साथ ही साथ यहाँ पर एक केज में बकरी है, ये एक और बकरी है जो कि अभी शायद से पट है ना। मैं इधर से आता हूँ। ये कितने महीने की अफरोज़ भाई? 8 महीने की।
ये बकरी 8 महीने की है। कानों की लेंथ कितनी है इसकी? 16 इंच के आसपास है, 16-17 के आसपास, 16 के है लंबा। और जैसे मैं आपके पास की जो नस्ल, जी आपके पास की बकरियों की जो नस्लें देख रहा हूँ मैं, इनके जो कानों में ठहराव है, सलमान भाई शायद से बहुत मायने रखता है ना ये? बहुत मायने। वाह, और जितना हम देख रहे हैं शायद से क्रॉस ब्रीडिंग में ये काफी कम होते जा रही है। बेहतरीन। तो ये आपकी शॉप की है फिरोज भाई? शॉप की। फीमेल्स वगैरह भी देते हो आप आपके घर के? हाँ देते हैं। उसके बाद एक और बकरी है आपके पास जो कि ये वाली है अफरोज भाई, ये हम आपकी चौथी बकरी बता रहे थे, ये भी घर की नस्लों में से है? नहीं, ये से अपन परचेज करी हुई भैंस, परचेज की हुई है। अब ये बकरी में मैं इतना कुछ खास देख नहीं रहा हूँ जैसे जो मेरे सामने उसके हिसाब से, लेकिन आपकी चीज़ें आप क्या कैसे बताओगे इस बकरी के बारे में? ये नस्ल अच्छी बना रही है, अपने पास में 2 फीमेल है इसकी। जी, क्योंकि अगर मैं जब आपके सेटअप में आता हूँ तो मुझे जब ऐसी बकरियाँ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मैं तो मुझे तो नॉलेज नहीं है इसका, मैं तो ऐसा ही कहूँगा आपको, और उसके बाद जब मैं ऐसी बकरियाँ देखता हूँ तो मुझे फ़र्क बताना चाहिए कि भाई ये बकरी में फ़र्क क्या है। तो ये बकरी आपने क्यों रखा है आपके सेटअप पर, क्या रीज़न है इसका? ये अभी 17 इंच लंबा नहीं थी जी, 7 इंच चकला नहीं। अच्छा, इसने नस्ल अच्छी बना रही है बकरी, अपने पास में 2 फीमेल है इसकी, एक सेल करे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट बताएंगे अपन वीडियो में? रिजल्ट बताएंगे हम जी। 17 बताए ना कान? ये इसकी नस्ल फीमेल है, 2 दांत लगे माशाल्लाह, पूरी वाइट गुलाबी मार्बल सिंग में। ये कमाल किसका है आपके पास, बकरे का कमाल है? वाह, अनबिलीवेबल है भाई। इसके कान कितने हैं माशाल्लाह? 16 इंच लंबा है जी, 7.5 इंच चौड़ा। और जितना मैं सुना हूँ पीली अबलग के बारे में, गुलाबी बच्चे बहुत अच्छे बनाते हैं। पूरा गुलाबी बच्चा बने। बेहतरीन यार भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। और अभी तो दांत किए बता रहे ना? हाँ, अभी फ्रेश, अभी 2 दांत लगे। फ्रेम साइज क्या बात, फुल पिंक। मैं अभी यही सवाल किया उनसे कि भाई आपके पास जब ऐसे नगीन है तो ये बकरी क्यों? उसका रीज़न ये है नस्ल। वाह, ठहराओ फिर से कानों में माशाल्लाह। हाँ, कोयले के अंदर से हीरा निकला। अफरोज भाई ने मार्बल सिंग परख लिए उसको। हाँ, मार्बल सिंग। आप बकरी देखो, नॉर्मल आइस, नॉर्मल चेहरा, ठीक है, पंच अच्छा है माशाल्लाह बकरी का भी। पंच अच्छा है। वो जो कि बच्चे में देखने के लिए मिल रहा है, ये 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है आपका, जो कि आपके जानवरों के थ्रू दिख रहा है। बेहतरीन भाई माशाल्लाह, ये सब भरोसे का काम है भाई अफरोज भाई, मैं इतना बोलूँगा। कोई अगर आप पे भरोसा कर रहा है अफरोज भाई शौक करने के लिए, तो उसको भी ऐसी चीज़ मिलना चाहिए। बहुत शानदार। और गुलाबी भाई, सर से पैर तक गुलाबी है, चाल गुलाबी शानदार। ये भी आपकी शौक की है? देखने वालों से गुजारिश है माशाल्लाह जरूर गए। बिल्कुल, बस दिल से एक ही निकलेगी भाई माशाल्लाह, बेहतरीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज भाई आपके नगीने हमें बताने के लिए। इंशाल्लाह कुछ और वीडियोस भी आपकी बन रही है, जिसमें कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेल का रहेगा। कुछ बकरियों के नाम वगैरह नहीं रखे आपने इतने? नाम ज़रूर रखना माशाल्लाह, ताकि आपको भी रहे कि भाई ये इसकी बेटी है। बहुत शानदार, छोड़ दीजिए, चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।